कई ऐसे देश या कई ऐसे स्थान हैं जहाँ हर साल भारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो कई बड़े जंगलों में आग और कहीं बिजली का गिरना तो कहीं भूकंप की झटकी, ये सारी घटनाएं आजकल नॉर्मल हो चुका है। ये सारी घटनाएं किस कारण से होता है, तो आइए जानते हैं ये सारी घटनाएं किस कारण से होते हैं। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान समय से पहले बूढ़ा होते जा रहा है, तो कहीं एनर्जी की कमी तो कहीं और कुछ प्रॉब्लम, ये सारी घटनाएं एक ही कारण से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को हम आपको बारीकी से समझाते हैं। असल में जब पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है, इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दरअसल क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश के मौसम में अकाल पड़ जाना, गर्मी के मौसम में बारिश होना और ठंड के मौसम में गर्मी करना एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे वायुमंडल को काफ़ी प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के हर पहलू के लिए एक खतरा है। मनुष्य की हर गतिविधि इस व्यवस्था का जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में महासागरों का जल स्तर बढ़ना सबसे बड़ा नुकसानदायक असर माना, जिसमें कई रिहायशी इलाकों का डूबना एक खतरा बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने दावा किया है कि साल 2050 तक दुनिया के बहुत सारे देश में अपने ही लोगों को अपने ही देश में स्थापित होना पड़ेगा, जो डराने वाला दावा है। IPCC के अनुसार मुंबई वैश्विक 20 शहरी केंद्रों के 13 एशियाई शहरों में से एक है जो बाढ़ के कारण भारी नुकसान झेली। और तो और क्लाइमेट चेंज के कारण अंटार्कटिक महाद्वीप का बर्फ पिघलना जारी है और ये विश्व के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।